यार सीन कुछ ऐसा है कि हम लोग अब यहाँ से निकलने वाले हैं। टाइम हो रहा है 2 बज रहे हैं और गाड़ी की रैपिंग अभी तक चल रही है। इसमें बहुत टाइम लग निकलते हैं अभी। घर घर जाके कपड़े वपड़े चेंज करते हैं, कुछ खाते पीते हैं और उसके बाद देखते हैं क्या करना है। बाय द वे आज दूसरा व्लॉग स्टार्ट किया है और आज रोज़ा है। कौन सा रोज़ा है आज? 14th रमज़ान है और क्या वो 14th ही तो है। पंद्रहवा नहीं है यार, 14th रोज़ा है। बस अभी हम लोग घर निकलने की तैयारी कर रहे हैं। घर जाके फिर देखते हैं क्या करना और अगले रोजे की तैयारी करते हैं। मिलते हैं आपसे घर जाके। उसी में ऐसे बस अभी घर निकलता है, उठ गए हम लोग यहाँ से, बस निकलेंगे। ठीक है तो चलो चलते हैं। तू बता क्या चल रहा है? क्या वेलकम टू न्यू व्लॉग। हाँ तो हम लोग घर पर आ चुके हैं। अब सीन ऐसा है कि हम लोग कुछ देर इंतज़ार करते हैं, आई थिंक 2-3 घंटे हैं। कुछ देर तो नहीं, खैर बहुत टाइम लग जाएगा क्योंकि अभी सहरी में 2-3 घंटे हैं और वैसे हमने थोड़ा बहुत खाना वाना खा लिया है। तो जब तक हम लोग नेटफ्लिक्स यूज़ करते हैं या फिर गेम वेम खेलते हैं थोड़ी देर बैठ के, फिर उसके बाद देखते हैं आगे क्या करना है। नमाज़ वगैरह पढ़ेंगे और वही कुरान, वही रूटीन। तो आज का दिन बहुत बोरिंग गुजरा असल में, इस वजह से क्योंकि शोरूम पे काम आया हुआ था, हम कज़न्स बाहर नहीं निकल सके तो इस वजह से थोड़ा काम ख़राब हो गया। तो खैर चलो मिलते हैं अब सहरी में। तो यार सहरी का टाइम हो चुका है, 4:22 हो रहे हैं। तो मेरी सहरी तो बन के आ चुकी है तो बस मैं सहरी करने वाला हूँ। तो आज मेरी सहरी है कीमा है और साथ, तो अब सहरी करते हैं और मिलते हैं आपसे सहरी के बाद। हाँ तो यार सहरी हम लोगों ने ख़त्म कर ली है। अब सीन ऐसा है कि मैं सोच रहा हूँ कि यार सहरी बंद होने में 20-25 मिनट है तो मैं वज़ू करके कुरान पढ़ लेता हूँ थोड़ी देर, क्योंकि असल में मैं सोच रहा हूँ कि अभी आधा पढ़ लूँ और नमाज के बाद आके थोड़ा सा पढ़ लेता हूँ। तो इससे ये होगा कि आधा अभी हो जाएगा, आधा भी हो जाएगा, थोड़ा टाइम बच जाएगा और उस टाइम में मैं थोड़ा सा और आगे पढ़ लूँगा। तो वज़ू करते हैं और कुरान पढ़ते हैं, फिर अजान होती है, फिर जाते हुए आपसे मिलते हैं। कुरान हम लोगों ने अब पढ़ लिया है, अब नमाज का टाइम हो गया, अजानें हो गई हैं। तो वैसे हमने कुरान आधा पढ़ लिया, आधा बाद में आके पढ़ते हैं नमाज के बाद। तो चलते हैं नमाज के लिए, नमाज़ पढ़ के आते हैं उसके बाद देखते हैं फिर क्या करना है। तो यार नमाज हमने पढ़ ली है और सिपारा भी हमने पढ़ लिया है। अब आ रही है बहुत सख्त किस्म की नींद, तो नींद पूरी करेंगे और फिर 12 बजे के टाइम पे मामा के साथ जाना है। उन्होंने कहा हमें कारपेट लेने जाना है तो हम 12 बजे जाएंगे कारपेट लेने के लिए। जब तक हम लोग अपनी नींद पूरी करते हैं, 6-7 घंटे जो है हमारे पास, तो अपनी नींद पूरी करते हैं। लेट्स स्लीप। हाँ तो यार अफ्तारी हमने कर ली है, पूरा दिन हमने सो के गुजारा है और फिर नमाज के टाइम पे उठे, नमाज पढ़ी, फिर सो गए और सुबह अम्मा को लेके जाना था, वो भी नहीं लेके जा सके और अम्मा से बड़ी गालियाँ सुनी हमने। क्या करें, नींद इतनी आती है। कोशिश करेंगे कल से ज़्यादा ना सोएं, और क्योंकि ये रमज़ान का महीना है तो हमें चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें सोने के बजाय। सोने के लिए तो यार सारा साल है हमारे पास वैसे भी, तो कोशिश करते हैं कल से इबादत ज़्यादा करें और सोना अपना कम करें। असल में क्या है ना कि रमज़ान का महीना ऐसा होता है कि रात हमारी बाहर गुजर जाती है और फिर दिन ऐसी तरह सोने में गुजर जाता है ताकि हमें रोज़ा ना लगे। मैं क्या, मेरे समझो आप ये समझ लो कि बहुत सारे लोग हैं, क्या दूसरों को जज करने से बेहतर है इंसान को खुद अपने आप को, कहने का मकसद है कि इंसान को पहले अपने आप को देखना चाहिए वो खुद कितना ख़राब है। तो हैं कुछ गलतियाँ मेरी भी हैं, तो कोशिश करेंगे उन्हें वक्त के साथ साथ हम सुधारें। तो अभी खैर इशा की नमाज़ में टाइम है, तरावी में टाइम है, तो थोड़ी देर हम लोग जाते हैं नीचे, देखते हैं क्या हालात हैं, फैमिली के साथ बैठते हैं थोड़ा सा, क्योंकि फैमिली के साथ बैठना ना एक अलग ही वाइब्स आती हैं। तो थोड़ी देर फैमिली के साथ बैठते हैं उसके बाद फिर नमाज के टाइम आपसे मिलते हैं, फिर रात को देखते हैं कहीं जाना हुआ तो चले जाएंगे। ओके अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अभी हम लोग आए थे जया भाई की गाड़ी का साउंड चेक करने के लिए आए थे, तो साउंड हम लोगों ने सुन लिया तो अभी बैठे।
क्या कर रहा है? कुछ क्या? साउंड लगवा है। अच्छा ये गाड़ी को, गाड़ी के हम लोग घूम के आए थे। कहाँ घूम के आए थे हम लोग? गवादर। गवादर वो भी बड़ा मजा आया था, सारे कजन हम लोग घूम के आए थे। ओए ओए क्या सीन है, अभी कहाँ चल रहे? अभी जाते हैं फिर टीआरजी। टीआरजी जाके कह रहे हैं होटल पे चले? हाँ ना वही यार, अभी होटल का सीन हमारा बन चुका है तो अभी हम लोग चलते हैं होटल। बाकी सारे भी वहीं पर ही आएंगे, हम लोग भी होटल निकलते हैं तो वहीं जाके आपसे मिलते हैं। तो भाई हमने कर लिए अफ्तारी, अब आगे का सीन ऐसा है कि हमें निकलना है टीआरजी होटल के लिए, क्योंकि हमारे कज़न हसन साहब का फ़ोन आया है कि आप पहुंच जाओ टीआरजी, और काफ़ी देर से वो लोग इंतज़ार कर रहे हैं तो हम लोग निकलते हैं टीआरजी के लिए। पहले चेंज कर लेते हैं फिर निकलते हैं। हाँ तो यार चेंज हमने कर लिया है, अब ये क्या चार्जिंग मेरी बहुत कम है तो आगे व्लॉग भी करना है तो साथ पावर बैंक उठा लेते हैं। चलो इधर से उठा लेते हैं चार्जिंग की केबल, पावर बैंक, यार टॉफ़ीज़ भी पड़ी हैं, टॉफ़ी खा लेते हैं। अच्छा ये टॉफ़ी पता नहीं क्यों लेकिन मुझे टॉफ़ी बहुत पसंद है। क्रीमस टॉफ़ी है, बड़ी पसंद है यार मेरे को ये। चलो निकलते हैं, वहाँ जाके मिलते हैं आपसे। यार टीआरजी तो हम लोग पहुँच गए, अब जिन्होंने हमें फ़ोन करके बुलाया था वो उठ के चले गए क्योंकि उन लोगों को जाना था दावत पे। अब वो लोग आएंगे एक घंटे बाद, तब तक हम लोग क्या करें? असाम को कॉल किया, असाम नहीं आ रहा तो हम लोग फ्राइज़ मंगा लेते हैं। तो फ्राइज़ मंगाते हैं, भूख लग रही है, कुछ खाना पीना हो जाए। अच्छा यार टीआरजी पे रौनक बहुत होती है, अब रौनक क्यों होती है ये आप उस वक्त समझ सकते हो जब अगर आप यहाँ बैठते हो, या जो यहाँ पे बैठते हो वो इस चीज़ को समझ सकते हैं। देखो बस यहाँ पर सामने शार फैसल का व्यू है और इसके चीज़ पराठे खा लो आप, मोंटीज शॉर्मा के और मोंटीज चाय वाले के चीज़ पराठे खा लो आप, सब भूल जाओगे। तो बस सीन ऐसे है कि अभी फ्राइज़ मंगा लिए, फ्राइज़ आते हैं, फ्राइज़ वाइज खाते हैं और फिर देखते हैं आगे पीछे निकलते हैं ताकि एक घंटे बाद ये लोग भी आ जाएंगे, फिर इधर ही बैठते हैं। बाकी सब तो ठीक है यार, ये टोपी करवाने वाला काम बड़ा ख़राब है। असल में ना मेरे को उन लोगों ने बोला कि हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं आ गया, अब तुम लोगों का काम था तुम लोग उठने से पहले मेरे को बता देते, तुमने बताया ही नहीं, तुम उठ के दावत में निकल गए। यार ख्वारी हो गई, ख्वारी हो गई, कसम से बहुत बड़ी ख्वारी हो गई, बहुत बड़ी ख्वारी हो गई। फ्राइज तो यार आ गए हैं, फ्राइज़ खाते हैं। अच्छा मैं इसके फ्राइज़ खाता ही बड़े शौक से, इसके फ्राइज़ हैं ही मज़े के। तो फ्राइज मज़े का गर्म है, फ्राइज खाते हैं फिर मिलता हूँ आपसे। हम बैठे हुए इंतज़ार ही कर रहे थे कि मेरे कज़न का मेरे पास फ़ोन आया, उसने कहा कि यार तुम एक काम करो कि मुझे पिक कर लो। मैं निकल चुका था वहाँ से, इसकी गली के बाहर ही था मैं, तो उसी वक्त इसका फ़ोन आ गया तो अब हम इधर आ गए। ये हमारे पास आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। किधर छाटते तुम? किधर छाटते तुम? क्यों क्या हो गया? हाँ ओहो टेंशन हो गए। अच्छा इनके घर का बड़ा अभी इन लोगों ने तैयार किया, बड़ा ख़राब सीन है। दरवाज़ा फिर से दरवाज़ा, यहाँ आप घुसते हो अभी तो ये आपको खंडर है, देखने में समझ कुछ नहीं आएगी, जब लाइटें खुलेंगी फिर देखें आप। ये देखो भाई इससे प्यारी जगह आपको मिल सकती है? नीचे बैठने की जगह, ऊपर पानी की बारिश है, आर्टिफिशियल है, सही की बारिश नहीं है, पानी की बारिश है। कैसे इसकी लाइटें खोलो, ये वॉल खोलो। आपने ये सब घर में कभी नहीं देखा होगा यार, ये सब आपने घर में नहीं देखा होगा, ये आपको मैं तरीके से पूरा दिखाता हूँ, सफर करो। I
से हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं। अब सीन ऐसा है कि हम लोगों ने, ये आप देख सकते हो किस तरह की क्रिएशन, अच्छा ये फिफ्थ फ्लोर पर है, ये ना ग्राउंड फ्लोर पर है ना कोई बंगलो है, ये फिफ्थ फ्लोर पर है, बिल्डिंग पर ये सीन चल रहा है। और ये भाई जो है हमारे, ये सामने ये खड़े हैं, ये भी हमारी व्लॉग ही शूट कर रहे हैं। तो मतलब ये क्रिएशन मैंने तो आज तक नहीं देखी अपनी जिंदगी में, कभी ये क्रिएशन नहीं देखी। और ये असल में जो ये है, ये कज़न जो है मेरा, ये मामू का बेटा है। ये क्रिएशन अगर आपने देखी हो फिफ्थ फ्लोर पे होगी, तो मैंने तो फिलहाल फर्स्ट टाइम देखा है यार।